बिहार हो गया बदहाल। नीति आयोग का रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है। खिसड्डी राज्य बिहार बना, बेरोजगारी में बिहार टॉप पर, मौत का तांडव हुआ बिहार में। लोगों ने देखा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। महंगाई चरम पर, किसान परेशान, लोग चारों ओर हाहाकार, भ्रष्टाचार चरम पर। 70 घोटाले तक होती है तब तक शराब माफिया चुनौती देते हैं सरकार को। और 72 घंटा नहीं हुआ, पटना में अन्य मार्ग से 200 मीटर की दूरी भी नहीं होगी गवर्नर हाउस से, और वहां पर कल शराब पार्टी चल रहे थे होटलों में। बताएं सरकार में बैठे हुए लोग। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ है राजद के प्रखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से जदयू ये कह रहे हैं कि 16 साल बेमिसाल, इसके अलावा जिस तरह से समीक्षा बैठक किया गया है शराबबंदी को लेकर, बावजूद शराब मिल रहे हैं सब जगह पार्टी फंक्शन में, तो क्या कुछ कहते हैं इसे जानते हैं जदयू समीक्षा। जेडीयू अपने कह रही है बेमिसाल, जनता कह रही है बिहार का बुरा हाल, बिहार बदहाल। जनता ने जिसे नकार दिया वो अपना बेमिसाल का पोस्टर भले लगा ले, लेकिन जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है बिहार का कर दिया एनडीए ने 15 वर्षों में बुरा हाल, बिहार हो गया बदहाल। नीति आयोग का रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है। खिसड्डी राज्य बिहार बना, बेरोजगारी में बिहार टॉप पर, मौत का तांडव हुआ बिहार में। लोगों ने देखा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। महंगाई चरम पर, किसान परेशान, लोग चारों ओर हाहाकार, भ्रष्टाचार चरम पर। 70 घोटाले इस बात को लेकर के वो बेमिसाल कह रहे हैं, तो पोस्टर लगा करके अपना, ये तो सुनो पाउडर प्रचार प्रसार वाली सरकार ही है। जनता बेचारी परेशान है। इंडिया पुलिस फाउंडेशन के द्वारा भी जो बिहार की पुलिस है उसका भी एक रिपोर्ट आया है कि सबसे लास्ट पायदान में। इसलिए तो हमने कह दिया पहले ही कि बिहार फिसड्डी राज्य हुआ, अब ये भी रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी राज्य, इसके बाद भी ये कह रहे हैं हमारा बेमिसाल। तो इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है जनता के साथ? जनता के चेहरे पर देखिए क्या उदासी छाई हुई है। आइए अपना पोस्टर चमका रहे हैं, सुनो पाउडर लगा रहे हैं। जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, इसके बाद समीक्षा बैठक हुई, बावजूद जो शराब में समीक्षा बैठक होती है तब तक शराब माफिया चुनौती देते हैं सरकार को। और 72 घंटा नहीं हुआ, पटना में अन्य मार्ग से 200 मीटर की दूरी भी नहीं होगी गवर्नर हाउस से, और वहां पर कल शराब पार्टी चल रहे थे होटलों में। बताएं सरकार में बैठे हुए लोग कि आखिर ये कौन सा समीक्षा बैठक में क्या हुआ, इसका यही परिणाम होना था। हर जगह तो सरकार नाकाम साबित हो रही है, सरकार का शासन प्रशासन का इकबाल पूरी तरह समाप्त है। तो ये शराबबंदी इंप्लीमेंट क्या करेंगे, हर चीज़ के लिए तो दोष सिर्फ इनको विपक्ष पर मढ़ना है। अपनी जिम्मेवारी का एहसास है नहीं तो ये क्या सरकार काम कराएंगे और अपनी योजना को धरातल पर उतारेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहे हैं कि लगातार जो नेता प्रतिपक्ष है, हमने तो कह दिया ना कि आरोप लगाएंगे, तो आपका जवाब तो हम पहले ही दे दिए। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जिस तरह से वो लगातार जो सत्ता पक्ष है वो लगातार विपक्ष को ही दोषी मानते हैं, कारण यह है कि शराबबंदी है या जिस तरह से या कई भी योजनाएं हैं, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो हर रिपोर्ट में जो है बिहार फिसड्डी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसको लेकर जिम्मेवार है, और बिहार सरकार जो है नीति जो है जदयू जो है एक 16 साल बेमिसाल एक कार्यक्रम करने जा रही है कि जो 16 साल जो जनता ने इनको मौका दिया बेमिसाल है, तो इनके द्वारा क्या कुछ बेमिसाल जो है इस पर चर्चा किया जाएगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।